नमस्कार दोस्तों, माय सेल्फ दीपक वर्मा एंड आई एम फ्रॉम कैटेक। स्वागत है आपको ऑटोकैड 2018 ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कम्प्लीटली लेयर के बारे में। लेयर एक्चुअल में होती क्या है, कैसे वर्क करते हैं लेयर पे, और लेयर का ऑटोकैड में यूज क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि लेयर एक्चुअल में होती क्या है और उस पर एक्चुअल में वर्क कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो मेरे को एक रूम बनाना है, और हम कैसे बनाते हैं, हम यूनिट सेट करते हैं। मान लो मेरे को 10x10 का एक रूम बनाना है। मैं एक सिंपल सा रूम आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। ओके किया, डी एंटर किया, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर मॉडिफाई एंड प्राइमरी यूनिट, मैं यहाँ से इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, 0। ओके सेट करंट, मैं और कुछ ज्यादा नहीं छेड़ने वाला इसमें। तो मैंने यहाँ पे एक रूम लिया, REC एंटर, डी एंटर 10 फीट बाई 10। मैं सिंपल सा एक रूम आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने ऑफसेट लिया 9 इंच यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 8 इंच का गैप ऑफसेट, मान लो 3 फीट का मेरे को यहाँ पे डोर चाहिए। मैंने यहाँ से डोर कट किया, यहाँ से मैं 1 फीट का भी अगर गैप लेता हूँ। उसके बाद ऑफसेट 4 फीट, ऑफसेट 3 फीट का मैं यहाँ से पेड़ करता हूँ। और आपका मान लो मैंने सिंपल से एक यहाँ पे विंडो बनाया, और एक विंडो में यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक सेंटर में लाइन लिया, ऑफसेट लिया 1 फीट 6 इंचेस यहाँ पे, 1 फीट 6 इंचेस यहाँ पे। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक प्लानिंग कैसे करते हैं और आप इसको विंडो डोर को प्रोफेशनली कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये बनाया सिंपली, मैं यहाँ पे कोई भी एक डोर बनाने के लिए एक सिंपल से मैं यहाँ पे डोर आपको बना के दिखाता हूँ। क्लियर दोस्तों? तो मैं यहाँ पे ये आपको बना चुका हूं। हम क्या करते हैं, पूरी एक प्लानिंग, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो पूरी एक प्लानिंग, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो पूरी एक प्लानिंग बनाते हैं, बट विदाउट कलर बनाते हैं। मेरे को एक प्लानिंग करनी है, मेरे को एक प्लान बनाना है और विद द कलर्स बनाना है। मतलब डोर का कलर मुझे अलग चाहिए, वॉल का कलर अलग चाहिए, फर्नीचर कलर मुझे अलग चाहिए, डायमेंशन कलर मुझे अलग चाहिए। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम कलर का यूज कर सकते हैं। कलर का यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें, या फिर आप यहाँ से कलर को ऐसे चेंज कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग से ही आप क्या करें, आपको कोई भी यहाँ से कलर चाहिए इस पे क्लिक करें। आपको वॉल बनानी है तो आप उसके लिए वॉल बना सकते हैं, जो भी आपको वॉल बनानी है। अगर आपको डोर बनाने हैं तो डोर कलर आप यहाँ से चूज करके आप यहाँ से कैसे भी डोर बना सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से विंडो बनानी है तो आप कोई भी कलर यहाँ से यूज करके आप यहाँ पे विंडो बना सकते हैं। ये सिंपली मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सब चीजें बता रहा हूँ। अब या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ऐसे बनाएं, या फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कलर चूज करके ये बना सकते हैं। बट दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मेरे को बोला जाए कि मेरे को यहाँ पे वॉल का कलर चेंज करना है, तो उससे क्या होगा कि मेरे को वॉल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वॉल को सिलेक्ट करने के लिए मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जो भी कलर मेरे को यहाँ पे चाहिए। बट दोस्तों अभी तो मेरे पास यहाँ पे 2 वॉल है। अगर आपके पास बहुत सारी वॉल हो, अगर आपके पास इतनी सारी यहाँ पे वॉल हो, तो आप उसका कलर कैसे चेंज कर पाएंगे। अगर मेरे को बोला जाए कि लाइन वेट चेंज करना है, तो आप क्लिक करके यहाँ से लाइन वेट चेंज कर सकते हो, लाइन टाइप चेंज कर सकते हो। बट दोस्तों ये सिर्फ एक वन टाइम प्रोसेस रहेगा। मान लो अगर आपको बार बार चेंज करना हुआ तो आप काफी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेयर्स बनाते हैं। क्लियर? लेयर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे LA Enter प्रेस करें, या फिर आप डायरेक्टली जा सकते हैं यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टी पे। लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका लेयर्स के। लेयर्स के साथ क्या क्या ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें लेयर्स में ऑन ऑफ, फ्रीज अनफ्रीज, लॉक अनलॉक, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, ट्रांसपेरेंसी, वो सब आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अगर मेरे को एक न्यू लेयर यहाँ पे जनरेट करनी है, न्यू लेयर अगर आपको बनानी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे है न्यू लेयर, आप न्यू लेयर पे क्लिक करें।
न्यू लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम आएगा, आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं कि मेरे को ये वॉल के लिए बनानी है, आप यहाँ पे वॉल पे क्लिक करें और आप यहाँ से कलर प्रोवाइड कर सकते हैं कि मेरे को वॉल का कलर है वो ये चाहिए। ओके, आप यहाँ से लाइन टाइप चूज कर सकते हैं, आप यहाँ से लाइन वेट को चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि लाइन टाइप एंड लाइन वेट क्या होता है। आप इस पे कलर क्लिक करके आप यहाँ से लोड कर सकते हैं और अपनी कोई भी लाइन टाइप चूज कर सकते हैं और कोई भी आप यहाँ से इसका लाइन वेट चूज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, आप एक न्यू लेयर यहाँ से बना सकते हैं, जैसे मेरे को विंडो के लिए चाहिए तो आप विंडो के लिए एक अलग से लेयर बना सकते हैं, इसका आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। न्यू लेयर बनाने के लिए फिर से आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको डोर के लिए चाहिए तो आप यहाँ से डोर के लिए कोई भी एक लेयर बना सकते हैं, क्लिक करें, आप इसका यहाँ से फिर से कलर चेंज कर सकते हैं। ऐसे करके आप जितनी भी चीजें, जितने भी एलिमेंट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप इसमें यूज कर रहे हैं अपने ड्राइंग में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग लेयर यहाँ पे बना सकते हैं। अब लेयर बनाना यहाँ से आप बना सकते हो, और अब लेयर को यूज कैसे करते हैं, लेयर को यूज करने के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, दोबारा ओपन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। अगर ये आपको साइड में रखना है तो आप इस पे इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं ऑटो हाइड पे। इससे क्या होगा कि जब आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे ऑन हो जाएगा, बाहर लेके जाएंगे तो ये हाइड आपकी टैब हाइड हो जाएगी। अब क्या है, अब आप लेयर यहाँ पे बना चुके हैं, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप ऐसे ही बनाए, बाद में लेयर को उस पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जब आप स्टार्टिंग कर रहे होते हो तो आप स्टार्टिंग में लेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे लेयर टैब में आपको यहाँ पे लेयर नजर आएंगी, आपको वॉल बनानी है तो आप वॉल लेयर को चूज करें, बट वॉल लेयर का चूज करने के बाद मेक श्योर कि आपका जो ऑब्जेक्ट कलर है वो बाई लेयर हो। क्लियर, अगर आपका ऑब्जेक्ट कलर बाई लेयर नहीं होगा, कोई और कलर आपने चूज किया होगा, अब आप यहाँ पे कुछ भी बनाएंगे तो वो उस कलर में बनेगा जिस कलर को आपने यहाँ से चूज किया हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पे क्लिक करें, इसे आप बाई लेयर करें। अब क्या होगा कि अब आप जो भी यहाँ पे वॉल बनाएंगे, वॉल वो आप अकॉर्डिंग टू लेयर यहाँ पे बना सकते हैं, आपका वही कलर आएगा। अब यहाँ पे विंडो बनानी है तो आप विंडो लेयर को चूज कर सकते हैं, आप यहाँ से विंडो बनाएं यहाँ पे और आप अपनी विंडो बना सकते हैं। आपको डोर बनाना है तो आप यहाँ से डोर लेयर चूज कर सकते हैं और आप डोर लेयर की हेल्प से विंडो बना या डोर बना सकते हैं। क्लियर दोस्तों, अब ये है कि ये चीज आपको थोड़ी सी सेम नजर आ रही है, बट इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब देखिए, मान लो अगर मेरे को अब बोला जाता है कि मेरे को इन वॉल का कलर को चेंज करना है, तो मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पे जाऊंगा वॉल के कलर को चेंज करूंगा। तो आपको बेसिकली करना है क्या है, आप लेयर प्रॉपर्टी पे जाएंगे, लेयर प्रॉपर्टी पे जाने के बाद अगर आपको कोई भी लेयर को यहाँ से एक्टिव करना है तो क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एक्टिव पे, या फिर इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं, वो आपकी लेयर यहाँ से एक्टिव हो जाएगी। आपको अब डोर का कलर या वॉल का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप यहां से जो भी कलर आप चेंज करेंगे वही कलर आपका यहाँ पे शो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आप दोबारा लेयर प्रॉपर्टी में जाएं, आपको विंडो का कलर चेंज करना है, आप यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें, किसी भी कलर को चूज करें, ओके करें, तो उसके बाद आपका विंडो का कलर चेंज हो जाएगा। डोर का कलर चेंज करना है, आप यहाँ पे डोर पे क्लिक करें और यहाँ से इसको चूज करके आप डोर का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट इस केस में हमें इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से चूज करना पड़ेगा, बट अगर बार बार करना है तो सेम प्रोसेस में यहाँ पे बार बार करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, अब मान लो आप ऐसा बना चुके हैं, अब आपको वन टाइम प्रोसेस करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए, इस पे लेयर्स को अप्लाई करने के लिए। इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें, आप यहाँ पे क्लिक करें, आप जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वॉल आपने लेयर अप्लाई की, आप यहाँ से इसको बाई लेयर करें, आप अकॉर्डिंग टू वॉल इसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर दोस्तों, बट ये भी एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, तो इसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज को मैच कर सकते हैं। उसके लिए आप प्रेस करें MA एंटर मैच प्रॉपर्टी। क्लियर, आपको इस वाली वॉल को मैच करना है इन वाली वॉल से, तो आप इस वाली वॉल पे क्लिक करके कंप्लीटली वॉल को इसके अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करें, कैसे किया आपने, किया MA एंटर, आपको विंडो को विंडो से मैच करना है तो विंडो पे क्लिक करें, और किसको मैच करना है विंडो को, तो आप विंडो को यहां से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसको विंडो को यहां से मैच कर सकते हैं। ये वाली विंडो मैच करनी है तो आप विंडो को मैच कर सकते हैं। डोर को मैच करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आप डोर को डोर से मैच कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, ऐसे आप लेयर पे वर्क कर सकते हैं।
अब लेयर का बेनिफिट क्या है और क्या बेनिफिट है लेयर्स के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब जैसे कि आपके पास ये ड्राइंग है जो कम्प्लीटली लेयर पे बनी हुई है, ये आपके पास यहाँ पे लेयर्स हैं। अब लेयर्स का यहाँ पे और क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आता है आप स्टेटस। स्टेटस में क्या होता है कि अगर आपको किसी भी लेयर को यहाँ पे ऑन करना है, किसी भी लेयर को आपको करंटली यूज करना है, तो आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं तो वही लेयर आपकी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, किसी भी यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एक्टिव हो जाएगी, या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप इस बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक्टिव लेयर पे सेट करंट, आप इस पे क्लिक करें तो भी आपकी लेयर यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ से एक्टिव किया। उसके बाद बात आती है आपको यहाँ पे नेम चेंज करना है, तो आप किसी भी लेयर का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका ऑन एंड ऑफ करना। अगर आपको किसी भी लेयर को ऑफ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मान लो मेरे को ये वॉल को ऑफ करना है तो आप रोल को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, जो आपके पास ये बल्ब का साइन है आप इस पे क्लिक करें तो आपकी लेयर ऑफ हो जाएगी, जो जितनी भी आपकी वॉल थी कम्प्लीटली आपकी हाइड हो जाएगी। मैं कम्प्लीटली डोर को यहाँ से हाइड कर देना चाहता हूँ, तो आप डोर की लेयर पे यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी कम्प्लीटली डोर यहाँ से हाइड हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका फ्रीज। अब फ्रीज क्या होता है, मैं थोड़ा सा फ्रीज के बारे में आपको बताता हूँ। अब फ्रीज एंड ऑन ऑफ आपको लगेगा कि सेम है, कैसे? अगर मैं बॉल को ऑफ करता हूँ तो क्लियर आपकी बॉल ऐसे ही ऑफ होती है, और अगर मैं इसको फ्रीज करता हूँ तो भी आपका सेम इफेक्ट आता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आप बॉल को ऑफ करते हैं, अगर मैंने बॉल को ऑफ किया, मान लो मेरे पास मैं एक यहाँ पे बॉल लेयर को एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे मैंने वॉल लेयर ली, और वॉल लेयर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने वॉल को यहाँ पे एक्टिव किया, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक कोई भी रेक्टेंगल बनाया, कोई भी यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, कुछ भी, ये वॉल लेयर के अंडर बने हुए हैं। अगर मैं पूरी स्क्रीन को जूम ऑल करता हूँ, उसके लिए जेड एंटर, ए एंटर मैंने किया, तो होगा क्या, ये वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आएगा। क्लियर है, आपके जितनी भी ड्रॉइंग्स बनी हुई है वो एक स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर दोस्तों, मान लो मैं वॉल को ऑफ कर देता, मैंने यहाँ पे इसको एक्टिव किया, अगर जो लेयर आपकी एक्टिव है अगर आप उसे ऑफ करते हैं तो आपको एक वार्निंग शो करेगा कि आपकी ये लेयर एक्टिव है, आप इसे ऑफ करना चाहते हैं या नहीं। मान लो मैंने ये वाली लेयर को यहाँ पे एक्टिव किया एंड वॉल वाली लेयर को ऑफ कर दिया, अब आपकी वॉल वाली लेयर यहाँ पे ऑफ है, बट अगर आप यहाँ पे जेड एंटर ए एंटर करेंगे तो वो उसे अभी भी ये कंप्यूटर की मेमोरी में है, ये ऑटोकैड की मेमोरी में है कि आपकी यहाँ पे वॉल थी जिसको सिर्फ आपने हाइड किया है। क्लियर, अब अगर मैं वॉल को ऑफ नहीं करता, मैं इसे ऑन कर देता हूँ बट मैं इसे फ्रीज कर देता हूँ, फ्रीज से भी इफेक्ट तो वही हुआ कि आपकी वॉल ऑफ हो गई, बट हुआ क्या, ऑटोकैड की मेमोरी में अब ये नहीं है कि आपके पास यहाँ पे कभी कोई वॉल थी। अब अगर आप जेड एंटर ए एंटर करते हैं तो वो उसको एज ए वो लेगा ही नहीं, वो उसकी मेमोरी से ही डिलीट हो चुका है। क्लियर, इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उन लेयर्स को फ्रीज कर देते हैं तो होगा क्या, आपकी फाइल का साइज भी छोटा हो सकता है, और आपकी फाइल जैसे अगर आपकी बड़ी ड्राइंग्स होती है वो हैंग करती है, वो वाली चीज यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपका लॉक कर देना। अगर आप मान लो वॉल वाली लेयर को यहाँ से लॉक कर देते हैं तो होगा क्या, वॉल वाली लेयर में जब आप क्लिक करेंगे या आप इसे मूव करना चाहेंगे तो आपके पास एक लॉक का साइन आएगा जिसको आप यहाँ से ना तो आप मूव कर सकते हैं, ना कॉपी कर सकते हैं, ना आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने वॉल वाली लेयर को यहाँ से ऑफ कर दिया है, लॉक कर दिया है, तो आप ऐसे किसी भी लेयर को यहाँ से लॉक कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट आता है कलर। आपको इसका कलर चेंज करना है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको वॉल का कलर चेंज करना है, आपके जितने भी वॉल यहाँ पे होंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। आपको लाइन टाइप चेंज करनी है, आप लाइन टाइप चेंज कर सकते हो, लाइन वेट चेंज करना है, आप लाइन वेट चेंज कर सकते हो। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करूं, मैं चाहता हूं कि जो मेरे को यहाँ पे वॉल नजर आ रही है वो थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट है, मैं चाहता हूँ जो अंदर के फर्नीचर है वो थोड़े हाईलाइट हो जाए, या फिर वॉल हाईलाइट होके अंदर का फर्नीचर थोड़ा डल हो जाए। अब मैं अगर वॉल को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दूं, मान लो मैंने वॉल को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट किया 80%,
एंड किया ओके, तो आपकी वॉल 80% ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। बट आपको वो इफेक्ट ट्रांसपेरेंसी के नजर तब आएगा जब आप टॉगल बटन से एक ऑप्शन है शो और हाइड ट्रांसपेरेंसी, आप इसे ऑन करेंगे तो आपकी वॉल 80% ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, जो अंदर की चीज है वो अब आपकी हाईलाइट है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई प्लान बनाया और आपने फर्नीचर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वॉल को आप डल कलर में कर सकते हैं, मतलब आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, या आप वॉल को हाईलाइट करना चाहते हो तो फर्नीचर को आप उसको ट्रांसपेरेंसी यहां से यूज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है प्लॉटिंग का। प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आप प्लॉटिंग को वॉल पे प्लॉटिंग को ऑफ कर देते हैं तो होगा क्या, जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो उस प्रिंट में आपको वॉल नजर नहीं आएगी। क्लियर दोस्तों। जिस भी प्लॉटिंग को आप यहाँ से ऑफ करेंगे तो प्रिंट जब निकालेंगे तो वो वाला आपकी लेयर प्लॉटिंग पे नजर नहीं आएगी। क्लियर। अब आता है न्यू वीपी फ्रीज। न्यू वीपी फ्रीज अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, अगर आप इसे क्लिक करते हैं, आप इसे यहां से फ्रीज करते हैं तो होगा क्या, जब आप लेआउट पे क्लिक करेंगे, जब आप यहां पे लेआउट पे जाएंगे तो वहां पे जिस चीज को आपने वीपी फ्रीज किया हुआ है वो लेआउट पे आपको नजर नहीं आएगी, बट आपको मॉडल पे यहाँ पे नजर आएगी। क्लियर। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ से इस वॉल को दोबारा से इसको ऑन कर सकते हैं ताकि वो लेआउट पे भी नजर आए। क्लियर। अब बात आती है हम लेयर्स के, अब यहाँ पे बात करते हैं। अब आप कितनी सारी लेयर्स है, मान लो मैं किसी लेयर को ऑन ऑफ कर देता हूँ, किसी लेयर को फ्रीज कर देता हूँ, किसी लेयर को लॉक अनलॉक कर देता हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये आता है न्यू प्रॉपर्टी फिल्टर। अगर आप फिल्टर कर देना चाहते हो लेयर को, मान लो मैंने डायमेंशन को मैंने यहाँ से लॉक किया, लॉक कर दो एंड मैंने फर्नीचर होम अप्लायंसेस फ्रीज के मैं फ्रीज करता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने क्लिक करने के बाद न्यू प्रॉपर्टीज पे अगर मैं जाता हूँ तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स का यूज क्या है, इस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लेयर को फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे को वो वाली लेयर शो हो जो लेयर ऑफ है या जो लेयर ऑन है। जो लेयर यहाँ से ऑफ की गई है, मान लो मैं और भी लेयर है यहाँ पे, मैं उनको ऑफ करता हूँ, मैं इन लेयर को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ वो वाली लेयर्स नजर आए जो ऑन है, तो उसके लिए मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ से फिल्टर का नाम डाल सकते हो, मान लो मैंने किया ऑन लेयर, एंड जो आपका ये ऑन वाला स्टेटस है उसके यहाँ पे क्लिक करें, लिस्ट में आप यहाँ पे ऑन लेयर पे सिलेक्ट करें एंड ओके कर दें। अब आपकी एक यहाँ पे ग्रुप बनेगा ऑन का और यहाँ पे सिर्फ जो लेयर ऑन है आपको वही यहाँ पे नजर आएगी। क्लियर दोस्तों। मैं और फिल्टर लगाता हूं, क्लिक करें। मैं चाहता हूं कि एक फिल्टर लगे जिसका नेम यहां से एल से स्टार्ट है, सिर्फ वही आपको नजर आए, तो आप यहां पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, आपने यहां पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहां पे नेम पे क्लिक करें और यहां पे एल प्रेस करें, एल प्रेस करके कर दे ओके, तो आपका नाम जितने भी एल से है वो वाली लेयर बन जाएगी। आप इसका यहाँ से रिनेम कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं एल, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। क्लियर दोस्तों। ऐसे करके आप बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो यहाँ से यूज कर सकते हैं। मान लो मैं चाहता हूँ कि जो लेयर लॉक है मेरे को वो नजर आए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, लॉक पे क्लिक करें, ओके, तो जितनी लेयर आपकी लॉक है सिर्फ आपको यहाँ पे वही लेयर यहाँ पे नजर आएगी। क्लियर दोस्तों। या फिर सभी देखनी है तो आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करें, या फिर आप फिल्टर नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हो कि मैं एक ग्रुप बनाऊं जिसके अंदर मैं अपने अकॉर्डिंग लेयर्स को वहां पे चूज कर सकूं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं न्यू ग्रुप। आप न्यू ग्रुप पे क्लिक करें, ग्रुप का नाम रखें माई ग्रुप या वट एवर, जो भी आप यहाँ पे नाम रखना चाहते हैं। जिस भी लेयर को आप अपने ग्रुप के अंदर एड कर देना चाहते हैं तो उसको आपको सिंपली क्या करना है, आप क्लिक करें, ड्रैग करें और अपने ग्रुप के अंदर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जो जो लेयर आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो लेयर आपकी माई लेयर में आ जाएगी, जब आप क्लिक करेंगे तो वही लेयर आपको यहाँ पे नजर आएगी। क्लियर दोस्तों। ऐसे आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है कि अगर आपने यहाँ पे ऑल लेयर किया हुआ है, आप क्लिक करें, यहाँ से न्यू लेयर बना सकते हैं, यहाँ से आप वीपी फ्रीज कर सकते हैं, जो आपको लेआउट में नजर नहीं आएगी वो लेयर आप यहाँ से न्यू बना सकते हैं, यहाँ से आप किसी भी लेयर को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से आप किसी भी लेयर को एक्टिव कर सकते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो आप एक ड्रॉइंग में लेयर बना चुके हो और आप चाहते हो कि जब भी मैं न्यू लेयर बनाऊं, जब भी मैं न्यू ड्रॉइंग पे जाऊं तो मेरे को ये वाली लेयर वहां पे नजर आए, मेरे को बार बार अपनी लेयर्स को बनाना ना पड़े,
तो उसके लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अपनी लेयर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे है लेयर स्टेटस, लेयर स्टेट्स, आप इस पे क्लिक करें लेयर स्टेट्स मैनेजर पे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक सेकेंड, आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, आप यहाँ पे कोई भी नेम डाल सकते हैं, मान लो आपने ए नाम डाला, यहाँ पे ओके किया, आपका ये लेयर यहाँ पे ऐड हो चुकी है, आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, आपको कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, मान लो आपको डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करना है, डेस्कटॉप पे आप ए के नाम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे करें सेव। अब आप यहां से सेव कर चुके हैं, अगर आप यहां से बाहर जाते हैं, आपने यहां से ऑफ किया, मान लो आपका यहां से न्यू लेयर को ओपन करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, अब जब भी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो आपके यहां पे सिर्फ नॉर्मल एक लेयर नजर आएगी। आपको वो सभी लेयर चाहिए जो आप ऑलरेडी उस डॉक्यूमेंट में बना चुके हैं, आप उन लेयर्स को यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करें, अब आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएं, अब आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी, आप यहाँ पे क्लिक करें फाइल ऑफ फाइल्स ऑफ टाइप, आप यहाँ पे लेयर कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे ए को सिलेक्ट करें, ओपन करें एंड रिस्टोर स्टेट्स करें, तो आपकी जितनी लेयर वहां पे थी आपकी सभी की सभी लेयर यहाँ पे बन जाएंगी, अपने आप ही इम्पोर्ट हो जाएंगी। आपको बार बार लेयर्स को बनाना नहीं पड़ेगा, आप एक बार लेयर्स को बना के सेव कर सकते हैं ताकि आप इसको फ्यूचर में किसी भी ड्राइंग पे आप इसको यूज कर पाए। क्लियर दोस्तों? तो आशा करता हूं आपको लेयर के बारे में अच्छे से पता चला होगा, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके पास नंबर भी है मेरा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और किसी भी चीज में अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे को क्लियरली पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियोस देखने के लिए, आशा करता हूँ आपको ऑटोकैड के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल रही होगी जितनी भी मेरी पुराने वाली वीडियोज हैं उनके थ्रू। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।